जय भोलेनाथ। मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन दिन आने वाला है। इस दिन भगवान शिव को मनाने, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास होता है। इस दिन भगवान शिव की बारात निकाली जाती है और उन्हें तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो भगवान शिव को केवल एक लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करने से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन भगवान को भांग चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि भांग भगवान शिव को बेहद प्रिय है और महाशिवरात्रि के मौके पर भांग भोलेनाथ को प्रसाद के रूप में उनका सेवन भी किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इससे बनने वाले कुछ खास प्रसाद के बारे में, जिसका भोग आप अगर लगाते हैं, भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप यह चीज़ें खा लेते हैं तो निश्चित तौर पर भोलेनाथ की कृपा ऐसी बरसती है कि कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। जो चीज़ आप चाहते हैं वह चीज़ आपको जरूर प्राप्त होती है और भोलेनाथ की भी कृपा देखने को मिल जाती है। दोस्तों, शिवरात्रि के सबसे पहले तो आप स्नान करें, इसके बाद भगवान शिव की पूजा करने से पहले शिवलिंग को स्नान करवाकर उसका अभिषेक जरूर करें। इसके लिए एक पात्र में केसर, दूध, दही, घी, इत्र, चंदन, शहद, भांग और चीनी को मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। और दोस्तों, शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद शिवलिंग शिवरात्रि के दिन साफ और पूरे से पूरे कम से कम 11 और अधिकतम 1001 बेलपत्र लें। उस पर सफेद चंदन से राम नाम लिखें। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर एक एक करके बेलपत्र अर्पित करें और हर बार भोलेनाथ के अलग अलग नामों का उच्चारण करें। अगले दिन सूर्य देव से पहले चढ़ाई गई बेलपत्र का दोस्तों आपको विसर्जित भी कर देना चाहिए ताकि आपको फायदा प्राप्त हो। दोस्तों, भगवान शिव के अभिषेक के साथ इस दिन शिव जी को खास भोग लगाने और भक्तों के द्वारा खाने का भी विशेष महत्व होता है। बेलपत्र चढ़ाने और शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद आप भगवान शिव को गुड़ से बना हुआ पुआ और हलवा और चने, कच्चे चने का भोग भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएं। इन तीन भोग को चढ़ाने से भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और उसके बाद आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। और दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें, इस प्रसाद को चढ़ाने के बाद आप स्वयं भी ग्रहण करें। इसी के साथ ही दोस्तों, भगवान शिव को भांग चढ़ाने का भी विशेष महत्व माना गया है। शिवरात्रि के दिन भांग से बनी चीज़ों का भोग लगाकर भक्त भी उसका सेवन करते हैं, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि अगर इनसे किसी प्रकार की आपके जीवन के अंदर, आपके शरीर के अंदर कोई समस्याएं हैं तो आपको वह नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आपको भगवान भोलेनाथ को भांग का भोग लगाकर उसका सेवन भक्तों को भी करना चाहिए। लेकिन कई लोग इस भांग का सेवन इसलिए करते हैं कि उसका सेवन करने से नशा होता है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं भांग से बनने वाले ऐसे भोग जिसको करने से आपको प्रसाद का भी लाभ प्राप्त होगा और आपको बिल्कुल भी नशा नहीं होगा। दोस्तों, जैसे कि मालपुआ, भगवान शिव को मालपुआ बहुत पसंद होता है। ऐसे में अगर आप इस बार शिवरात्रि पर मालपुआ बनाने वाले हैं तो इसमें थोड़ा सा भांग का पाउडर, मतलब कि बस आप दस्तूर के अनुसार मालपुआ बनाएं और एक नाखून से भी छोटा मात्रा के अंदर भांग का पाउडर मिला दें और इससे आप भोलेनाथ को चढ़ाएं और उसके बाद इस भोग को आप ग्रहण करें। निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन के अंदर बरसेगी। दोस्तों, शिवरात्रि आते आते आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार से आपने देखा होगा कि अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। शिवरात्रि आते आते आपके गर्मी शुरू हो जाती है तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर बदलाव हो, ठंडाई देखने को मिले, तो आप दोस्तों निश्चित तौर पर दूध, चीनी और भांग के साथ साथ आप ठंडाई में बादाम, काजू, पिस्ता, सौंफ, खसखस, इलायची और केसर भी जरूर डालें। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाए।
जाएगी। इसी वजह से आप इस दिन आप इन चीज़ों को भी जरूर डालें ताकि आपको फायदा प्राप्त हो, न कि किसी प्रकार का नुकसान आपकी कुंडली और आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। तो दोस्तों, शिवरात्रि के दिन अगर आप भी इन चीज़ों को खा लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिलती है, किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य होता है तो वह भी समाप्त हो जाता है और आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें अपने आप ही देखने को मिल जाती है। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों। उम्मीद करते हैं कि भोलेनाथ आपके जीवन के अंदर कल्याण करेंगे।